हेलो गाइस, पिछला वीडियो मेरा बीच में ही डिसकंटिन्यू हो गया था, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली आई डोंट हैव टेक्निकल हैंड, आई हैव टू हैंडल ऑल अलोन, तो प्रॉब्लम हो जाता है। नाउ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे और मैंने ये कहा था कि फंक्शनल ग्रुप वो बंदा है जो कि सारी की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। मैंने दो एग्जाम्पल भी दिए थे बॉयज के ऊपर, ठीक है, कि किसी एक बंदे ने सारे के सारे बॉयज की प्रॉपर्टी को डिसाइड कर दी। अगर आपको नहीं पता कहानी तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाओ, आपको समझ में आ जाएगी। और मैं लड़कियों के बारे में बता रही थी, आई डोंट वांट कि आप हमसे कंप्लेन करो कि सिर्फ लड़कों पे ही आपने बता दिया। लड़कियों के साथ कुछ मिस हैपनिंग नहीं होती है क्या? होती है, बहुत भयंकर टाइप की होती है, ठीक है। तो आप उसको सुन लो एक मिनट के लिए। सपोज आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, काफी रिस्ट्रिक्टेड फैमिली से हो, आप अपनी दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट के कोई सामान लेने या कुछ पेपर लेने, डॉक्यूमेंट लेने बाहर गए हुए हो, एंड आपके इस ग्रुप में से एक बंदी का कोई पुराना स्कूल फ्रेंड मिल जाता है, हाय हेलो करना बनता ही है। तब तक आपके रिश्तेदार ने देख लिया कि आप उस ग्रुप में हो। अब आगे क्या इश्यू होने वाला है समझ में आ रहा होगा, ठीक है, because your family is restricting all such things, okay? तो वो बंदी, आपने कुछ नहीं किया, आप तो बस साथ में खड़ी थी, लेकिन उस बंदी ने आपकी प्रॉपर्टी को तो डिसाइड कर दिया ना, तो दैट बंदी वॉज फंक्शनल ग्रुप ऑफ योर्स, क्लियर है? ओके, नाउ अब मैं यहां पर फंक्शनल ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जो कि कॉमनली यूज होते हैं और आपको उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। इन्हें ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा यानी प्रायोरिटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, और जिसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होगी उसको सबसे बाद में पढ़ेंगे। और उसकी ऑर्डर को याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो ये सिक्वेंस ही है जो आपको क्वेश्चन में मिस्टेक करा था। अगर सिक्वेंस आपको याद है, यू कैन डू क्वेश्चंस वेरी इजीली, ओके? तो प्लीज ट्राई टू लर्न द सीक्वेंस, ओके? दिस इज योर कार्बोक्सिल ग्रुप, देन थायोनिल ग्रुप, देन एस्टर ग्रुप, देन एसील ग्रुप, देन अमाइड, then cyanide, सारे में bonding यहाँ पे सल्फर के थ्रू होगी, ठीक है, then this is what aldehyde group, then I can do this, it will be far better, okay. हालांकि हमने ऑर्डर में ही लिखा, बट इट वुड बी बेटर। देन कीटोन, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि दोनों ये ना है, तो मैंने सेपरेट कर दिया। ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। Then alcohol, okay, then amine, then double bond, and then triple, okay, इसमें इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी सबसे कम, ठीक है। आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है जिस पर बेस्ट क्वेश्चन अक्सर आएंगे। दिस वन COOH, this one, this और ये this, ये चार की प्रॉपर्टी में आपको अक्सर फंसाया जाएगा, तो हमेशा याद रखना this carboxyl group, COOH group, okay, it is the, this COOH group is the अमिताभ बच्चन, डायलॉग है ना, हम जहां से खड़े होते हैं
लाइन वहीं से शुरू होगी, यानी कि सी ओ एच जहां अटैच हो जाएगा काउंटिंग वहीं से शुरू होगी, भले ही कुछ भी लगा रहे, लेकिन ये जहां खड़ा होएगा काउंटिंग वहीं से शुरू होगी। सपोज किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में यानी हाइड्रोकार्बन में COOH भी लगा हुआ है, एल्डिहाइड भी लगा हुआ है, अल्कोहल भी लगा हुआ है, तीनों ही ग्रुप लगे हुए हैं। अब बंदा कंफ्यूज कि हम काउंटिंग स्टार्ट कहां से करें, अरे भाई ढूंढो कहीं पर, बच्चन साहब दिख रहे हैं क्या? ठीक है, अगर दिख रहे हैं तो हम जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, यानी कि काउंटिंग कहां से शुरू करने वाले हैं हम? हम काउंटिंग शुरू करेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप से। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, वो तो याद हो गया ना, बिग बी, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज COOH। ओके, बस आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है एंड नथिंग टू डू दैट। बाकी हर एक के लिए हम एक एक चैप्टर, यानी हम अलग से कार्बोक्सिल चैप्टर पढ़ेंगे, अलग से हम एस्टर चैप्टर पढ़ेंगे, अल्कोहल पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, और प्लस टू लेवल पे मैं उतना डिस्कशन नहीं करूंगी, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए मैं काफी डिटेल में बात करने वाली हूँ इन सब में। कुछ बच्चों को SN1 SN2 रिएक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि और एक या दो वीडियो के बाद उसको डिस्कस कर दूं, ताकि अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। अदरवाइज डिटेल में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, विथ कंसेप्ट पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके गाइस, तो फंक्शनल ग्रुप समझ में आया, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार रिवाइज कर लिया शुरू से। तो हमने सबसे पहले पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या खास बात होती है कार्बन की? दो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है टेट्रावेलेंसी और दूसरा होता है कैटिनेशन। टेट्रावेलेंसी आउटर मोस्ट में 4 एंड कैटिनेशन मीन्स एबिलिटी टू कंबाइन विथ सेम टाइप ऑफ एटम। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था, ए साइक्लिक एंड साइक्लिक। ए साइक्लिक में हमने पढ़ा था ब्रांच्ड एंड स्ट्रेचर, देन ब्रांच्ड में दो टाइप हो जाएंगे आपको, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, स्ट्रेट में भी दो टाइप हो जाएंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, मल्टीपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, कैसे पहचानेंगे डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ओके, नाउ इसके बाद हम पढ़े थे साइक्लिक। साइक्लिक में भी दो कैटेगरी हमने पढ़ा, एली साइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलीसाइक्लिक मीन्स विच इज नॉट एरोमेटिक, इट इज साइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक, उसको हमने एलीसाइक्लिक में डाल दिया। ये शॉर्ट पढ़े हैं, कंपटीशन के लिए काफी नहीं है, इवन कंपटीशन के लिए कुछ भी नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर द कंपटीशन, आई एम जस्ट क्रिएटिंग द बेस सो दैट यू कैन स्टडी फर्दर, ठीक है। जो बेसिक में प्रॉब्लम होता है ना कि ऑर्गेनिक पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाने वाली है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा एरोमेटिक। एरोमेटिक में मैंने बताया तीन तरीके, आप किसी भी एक तरीके को मिस करोगे तो देर इज अ चांस कि आप गलती कर दो, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है आपका घुमा हुआ है तब, ठीक है, और कंपटीशन में सिंपल तो देगा नहीं, अदरवाइज हर कोई क्वालिफाई कर ले, ठीक है। तो आपको तीन बातें याद रखनी है, पहला साइक्लिक होना चाहिए, अगर साइक्लिक नहीं तो देर इज नो चांस कि वो एरोमेटिक होगा। सेकेंड sp2 यानी प्लेनर, यानी कि नहीं समझ में आ रहा दोनों ही बात तो हम उसको क्या कहेंगे, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पूरे साइकिल में चलेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर डबल सिंगल नहीं तो डबल सिंगल देन प्लस माइनस लोन पेयर और फ्री रेडिकल, अगर ये कंडीशन भी रहा तो उसको हम कौन सा प्रोडक्ट कहने वाले हैं, एरोमेटिक, देर इज अ चांस ऑफ श्योरिटी नहीं। अब हम आते तीसरा कंडीशन, पहला पूरा हुआ, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा अगर हम आए तो तीसरा होता है हकल्स रूल। अभी मैं शायद नाम बता रही हूँ, हकल्स रूल, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करने का तरीका मैंने बताया, जहां डबल बॉन्ड होता है उसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब होता है 9 इलेक्ट्रॉन। होप आपको डायलॉग्स याद रहेंगे। ओके, आप अगर इसको सॉल्व करोगे हकल को और n का वैल्यू होल नंबर आता है, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो हमारा एरोमेटिक होगा, अदरवाइज आइदर वो नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक। फिर से मैंने एक नया टर्म यूज किया, एंटी एरोमेटिक, डिस्कस करेंगे सारा बाद के क्लासेस में, तब तक के लिए मैं ब्रेक लेती हूँ। एक्चुअली आई लव टी, आई हैव टू गो फॉर दैट। तब तक के लिए गुड बाय
एंड डू अ लाइक बटन. गुड बाय.